हाय दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे ही होंगे। आज थोड़ा सा मैं सोचा है कि एक चैप्टर पे ना इंडियन मेटल, आयरन एंड मेटल सेक्टर पे थोड़ा एनालिसिस करूं। तो मैं यहाँ पे आयरन एंड मेटल सेक्टर पे एनालिसिस, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ सेक्टर है जिसपे व्यू रख के लेके आया हूँ। उसमें से आप देखेंगे तो कुछ कंपनियाँ हैं जो परफॉर्म कर रही हैं, कैसा परफॉर्म कर रही हैं वो आप देखिए। अगर मैं महाराष्ट्र सीमलेस की बात करूँ तो 174% का 3 साल पहले रिटर्न था और अभी कंटिन्यूसली निगेटिव रिटर्न है। शारदा इंजीनियरिंग मेटल्स में देखिए तो 143% का 3 साल पहले रिटर्न था और अभी 1 ईयर से देखेंगे तो 47 पॉइंट निगेटिव रिटर्न है। YTD ही निगेटिव रिटर्न है, डेली पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है। टाटा स्टील का देखिए तो 119% का रिटर्न है और अभी 22-21% का 1 ईयर का रिटर्न निगेटिव रिटर्न है 22% का, बट अभी वापस ये चलना चालू हुआ है। टिन प्लेट का देखें तो 103% का रिटर्न है बट 44% का 1 ईयर का निगेटिव रिटर्न है। टाटा स्पंज आयरन का देखें तो बहुत ही अच्छा दिखता है मुझे ये, तो 73% का। और अब देखिए इतने फॉल के बाद कोई फॉल नहीं दिखने को मिल रहा है टाटा स्पंज में, मीन्स लोग इसको बेचने को तैयार नहीं है। इंडियन मेटल फेरस में देखिए ये 64% का गेन था और 1 साल में पूरा गेन खत्म कर दिया इसने। जो भी रिटर्न आया था पूरा रिटर्न को खत्म, 64% के निगेटिव रिटर्न है, अभी 0.26% का दिखा रहा है गेन। एप्पल अपोलो ट्यूब्स देखिए 47% का रिटर्न था, इसने भी अपने रिटर्न को खत्म, निगेटिव 43% का रिटर्न दिया है। नेलकास लिमिटेड को देखिए 14% का रिटर्न था और उससे ज़्यादा तो निगेटिव रिटर्न दे चुका है। मिस्र धातु निगम ये अभी न्यू लिस्टेड है तो 12% का निगेटिव है रिटर्न दिया है 1 मंथ में, 1 वीक में। चूंकि ये न्यू लिस्टिंग है इसलिए इसका डिटेल अवेलेबल नहीं है। तो आयरन एंड मेटल सेक्टर पे एक ये थोड़ा डिविडेंड, इसमें हमने उसी को क्राइटेरिया में क्या रखा था कि डिविडेंड इसका यील्ड हो, जिसकी जो डिविडेंड देती है कंपनियां, मैंने उसी को क्राइटेरिया में रखा था। और अगर आप चाहें तो मैं अगर इसको डिविडेंड को हटा दूं तो सारी कंपनियां आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो अगर उस बेस पे देखें तो आप बहुत सारी कंपनियां, टाटा मिल क्या है, मेटलिक है, और 1 साल का अगर हम रिटर्न देखना चाहें ये देखिए, ये 1 साल में जो रिटर्न दे रही है उषा मार्टिन दे रही है इसमें, और JSW स्टील है 10% का रिटर्न, और फिर देखिए तो शाह लॉय 7.8% का रिटर्न है 1 ईयर का रिटर्न। तो अगर इस बेस पे देखना चाहें, 1 ईयर के बेस पे देखना चाहें तो आपको एक बार यहाँ पे मैं 1 ईयर का दिखा दूँ तो ये है ग्लंट इस्पात है, 80% का रिटर्न है YTD 1 ईयर का। और प्रकाश स्टीलेज जो है वो 60% का रिटर्न है लिमिटेड, उषा मार्टिन 44% का है, और JSW इस्पात स्टील देखिए 14% का है, JSW स्टील 10% का है, सहाय एलॉय 7% का है, और उसके बाद जितने भी हैं ईयर में सब निगेटिव रिटर्न है। और हाईएस्ट निगेटिव रिटर्न में देखें तो आपको दिखाई देगा उत्तम गालवा है, ललॉयड स्टील है, और देखेंगे तो यहाँ पे आपका रामस्वरूप इंडस्ट्री, सुजान मेटल, ये सब इम्पैक्ट, सुराना मेटल, ये 70% 80% से भी ज़्यादा पूरा डेप्थ को ख़त्म ही कर चुके होंगे गेन को। गुजरात एनारी को ये सब बंद ही हो गया होगा लगभग। और तो इसमें से मैं सोचा कि कुछ शेयर को इस पर डिटेल एनालिसिस करें। उसी में से मैं सोचा कि अगर हमको एनालिसिस करना तो एक बार टाटा स्टील को एनालिसिस करते हैं और इंडियन फेरस को करते हैं, इंडियन मेटल एंड फेरस को करते हैं, और एक उसमें से टाटा स्पंज को करते हैं, और मिश्र धातु को भी एक बार देख लेते हैं। तो ये चार के बारे में सोचे, थोड़ा इस पे फंडामेंटल फंडामेंटल और टेक्निकल थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम चलिए पहले चलते हैं टाटा स्टील से। टाटा स्टील क्या करती है? तो टाटा स्टील हैज ए प्रेजेंस अक्रॉस एंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चर फॉर माइनिंग प्रोसेस, आयरन और कोल टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश प्रोडक्ट्स। द कंपनी ऑफर्स ए ब्रॉड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो ऑफ हाई वैल्यू एडेड डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट सच एज हॉट रोल्ड कोल्ड स्टील रीबार्स वायर्स रॉड ट्यूब्स एंड वायर्स, इतने प्रोडक्ट बनाती है नीचे जो है हॉट रोल्ड कोल्ड रोल्ड कोटेड स्टील में काम करती है। चलिए ये चूंकि चार पाँच चीज को एनालिसिस करना, थोड़ा फास्ट भागते हैं इसमें। तो अभी देखेंगे ये करंट प्राइस 512 रुपये का चल रहा है, इसका थोड़ा सा एक निगेटिव क्या सेल्स ग्रोथ थोड़ा निगेटिव बता रहा है, जो आ जाएगा कवर हो जाएगा मुझे मिली भैया। डेप्ट है 92,000 करोड़ का, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज जैसे देखिए 3.38 है, तो कोई इशू नहीं है।
अगर कैश देखेंगे तो आप कैश इसके पास है 7,900, अगर लास्ट ईयर की कैश की बैलेंस में तो 7,938 करोड़ कैश रिच कंपनी है। प्राइस टू कैश फ्लो देखेंगे तो 7.2 टाइम्स आता है, तो एक अच्छी कंपनी है। प्राइस टू कैश फ्लो अगर आप देखने जाएंगे तो मार्केट कैप से प्राइस फ्लो देखेंगे तो आप देखिए जहाँ 7-8 हज़ार का इसके पास कैश रहता है और वहीं पे ये 57 हज़ार का इसका मार्केट कैप है, तो सिर्फ 7.720 पे मिल रहा है। डेप्ट है लेकिन इंटरेस्ट कवरेज का इशू नहीं है, 4.5 टाइम्स किससे डेप्ट कवरेज करने की कैपेसिटी रखता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17% से है, ये भी खराब नहीं है। और आप देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही इसका 25,000 करोड़ है, तो 92,000 के सामने ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही 25,000 करोड़ का, तो वो खराब नहीं है। अच्छी बात क्या है तो प्राइस टू बुक वैल्यू सिर्फ 1 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू ये मिल रहा है आपको। इसके जो प्राइस टू बुक वैल्यू है सिर्फ आपको 1 टाइम में मिल रहा है, अभी इससे ज्यादा फ्री क्या मिलेगा आपको। बुक वैल्यू इसका 568 करोड़ का है, 570 करोड़ का, और आपके प्राइस जो है 512 करोड़, 512 रुपये पर शेयर फ्री में मिल रहा है। एक बार चलिए इसके प्रॉफिट लॉस को देख लेते हैं। ये सेल्स जो हो रहा है 132 करोड़ का था, 1,32,000 करोड़ का, और अगर करंट सेल्स देखें तो ऑलरेडी 1,50,000 करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। अगर ईबिटा प्रॉफिट देखें तो 17% से 17,000 करोड़ के ऑलरेडी 25,000 करोड़ आ चुका है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखें तो 13% का ऑलरेडी 17% आ चुका है। तो ऑलरेडी आप कुछ भी देखेंगे यहाँ पे तो टाटा स्टील मुझे एक अच्छा दिखता है। टाटा स्टील पे आपको अगर बाइंग पोजीशन बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक बार टाटा स्टील पे शेयर होल्डिंग परसेंट भी देख लें, टाटा स्टील पे तो टाटा स्टील पे एक बार प्राइस रिटर्न और शेयर होल्डिंग दोनों देख लेते हैं। शेयर होल्डिंग परसेंटेज देख लेते हैं तो शेयर होल्डिंग जो दिखा रहा है इसमें प्रमोटर का 33% शेयर होल्डिंग है, एज इट इज मेंटेन, FI मेंटेन है, FI का 15% है। म्यूचुअल फंड का देखिए, म्यूचुअल फंड बाइंग हो रहा है, म्यूचुअल फंड की बाइंग हो रही है, इंश्योरेंस कंपनीज की भी होल्डिंग है इसमें, और नन अदर इंश्योरेंस इन्वेस्टर जो है वो भी इसमें बाई कर रहे हैं, एक अच्छी बात है। हाँ यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको दिखेगा 3.151% प्रोमोटर ने जो जो ये कंपनियाँ खरीद रहे हैं इसके लिए इन्होंने हेज रखा है, गिरवी रखा है, ये थोड़ा एक निगेटिव है, बट चूंकि जैसा पैटर्न बन रहा है और जैसा चल रहा है उसमें आपको प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल सकता है। टाटा स्टील को अगर हम एक बार चार्ट पे भी जा करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, टाटा स्टील जो दिखा रहा है प्राइस वेटेड एवरेज वॉल्यूम से लो दिखा रहा है, जो वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम है इसका उससे थोड़ा लो दिखा रहा है, ये एक थोड़ा सा कंसर्न का बात है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी आगे जब सेक्टर रीच होगा और आगे के दौर में देखेंगे तो अगर ये एक बार कैसे भी 537 क्रॉस करता है तो आपको सीधे ये यहाँ पे इस लेवल को टच करने की कोशिश करेगा 579-580, तो इसका एक बहुत बड़ा रेसिस्टेंस लेवल है जो बोलिंगर बैंड में आपको दिखाया भी गया है, ये है 526 रुपये का। तो 526 रुपये जैसे ये क्रॉस करता है तो आपको 537-538 और वहाँ से अगर क्रॉस करता है तो 580 आपको देखने को मिल सकता है टाटा स्टील में, एक अच्छी कंपनी है। अगर इसका MACD लाइन देखें तो ये भी ब्लू लाइन से क्रॉस कर रहा है, RSI भी देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 41% है, तो MACD भी अच्छा शो कर रहा है, बुलिश बैंड ऊपर की ओर शो कर रहा है, तो MACD लाइन भी अच्छा शो कर रहा है। अब चलिए दूसरी कंपनी लेते हैं जो है आपका एक बार टाटा स्पॉन्ज को लेते हैं। टाटा स्पॉन्ज जो कि करंट मार्केट प्राइस 861 पे काम कर रहा है, अगर मैं इसका मार्केट कैप देखूँ तो 1,327 करोड़ का है, और टाटा स्पॉन्ज इज एंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्ज आयरन बाय डायरेक्ट रिडक्शन मेथड ऑफ आयरन ओर एंड जनरेशन ऑफ पावर फ्रॉम वेस्ट हीट से बनाता है, तो अच्छी कंपनी है, ये भी एक कैश रिच कंपनी है। थोड़ा सा प्राइस टू कैश फ्लो थोड़ा सा महंगा मिल रहा है अपने को, 32 टाइम्स मिल रहा है, तो ये कंसर्न है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है क्या करेंगे, अच्छी कंपनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंट 21% का है और सेल्स ग्रोथ देखिएगा थोड़ा 0.44% से कम है। प्राइस टू बुक वैल्यू सस्ता मिल रहा है 1.29, लेकिन यहाँ से ये 1280 जो है 52 वीक हाई जो है 1250 ये दिखाने का दम रखता है। ये कंपनी अजय ख़राब नहीं है, चूँकि ये कोल का रेट वगैरह बढ़ रहा है तो, और इनका रियलाइजेशन में रेट उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इसके कारण कोड वगैरह के चक्कर में इनका थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर आ रहा है। अगर इसकी मैं इसकी प्रॉफिट लॉस को भी देख लूँ तो प्रॉफिट देखेंगे ऑलरेडी ये सेल्स है जो 800 करोड़ को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 23% से थोड़ा 21% की ओर दिखाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी अगर अप टू अभी 3 महीने का प्रॉफिट बाकी है इसमें, और 210 करोड़ की जगह यहाँ पे 235 करोड़ दिखा रहा है, तो एक अच्छे खासा रिटर्न। डिविडेंड पे आउट देखिए इसका 22% का डिविडेंड पे आउट है,
तो आपको ऐसी कंपनी को रखना चाहिए जहाँ डिविडेंड ही आपको 22% का पे आउट दे रहा है। अगर आप डिविडेंड ही देखेंगे इस कंपनी का तो बहुत ही अच्छा है। अब 2.32% आपको प्राइस का मिलता है आपको। और टाटा स्पंज को अगर एक बार हम यहाँ पे भी देखें टाटा स्पंज को, तो ये देखेंगे आप बोलिंजर बैंड के ये अपर रो को क्रॉस कर रहा है और ये ऑलरेडी हाई पे है और एकदम वॉल्यूम ग्रोथ के साथ चल रहा है, सबसे वेटेड एवरेज वॉल्यूम के साथ चल रहा है। ये एक अच्छा पैटर्न है और हो सकता है अगर ये आपको हो सकता है एक बार ये आपको यहाँ पे 903 905 का लेवल भी दिखा दे आपको। अभी जो इसकी प्राइसिंग क्लोज हुआ 861.95 पे क्लोज हुआ है 29 तारीख को, तो हो सकता है एक बार आपको यहाँ अपर रेंज दिखाए। और अगर ये किसी कारण से अपर रेंज क्रॉस करता है 901 को क्रॉस करता है तो आपको वापस 1100 दिखाने का दम रखता है। इस पे वॉच पे रखिए, अच्छा पैटर्न है ये, देखिए कंटिन्यू अप ट्रेंड चल रहा है और थोड़ा सा अभी रेसिस्टेंस इसको मिल रहा है क्योंकि ये बोलिंगर थोड़ा डाउन लिया और अगर किसी तरह से ये तोड़ता है 835 के लेवल को तोड़ता है तो फिर शॉर्ट टर्म में आपको फॉल यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है जो 785 तक जा सकता है। तो अगर इस लेवल को तोड़ता 835 के स्टॉप लॉस से आप बाइंग कर सकते हैं। ऊपर लेवल बोलिंगर बैंड के चल रहा है ये, तो अगर ये क्रॉस करता है आपको 903 भी दिखा सकता है आपको। तो ऊपर साइड में 900 थी और नीचे में आपको अगर ये किसी भी तरह 836 तोड़ता है तो आपको नीचे लेवल 788 भी दिखा सकता है। तो आप जैसा चाहें वैसा इस पर पोजीशन बना सकते हैं, आप देखते रहें। तीसरी कंपनी है इंडियन मेटल एंड फेरस अलॉयज की कंपनी है, ये उड़ीसा की मेन कंपनी है, उड़ीसा में इसका मेन बिजनेस है। और आप देखेंगे तो ये फेरस अलॉयज की कंपनी करती है, इसमें दो ही कंपनी मेन फेमस, एक बैलोजियर है और एक इंडियन मेटल एंड फेरस कंपनी है। इसका भी जब मैं पैटर्न देख रहा था, पोर्टफोलियो देख रहा था, तो एक अच्छी कंपनी है और अच्छा ही इसमें आप देखेंगे कैश टू प्राइस टू कैश फ्लो सिर्फ 2.24 टाइम्स मिल रहा है। अब अभी जब देख रहे थे टाटा स्टील को देख रहे थे या दूसरे किसी को भी देख रहे थे तो कैश टू प्राइस पोर्टफोलियो आपको बहुत हाई मिल रहा था, यहाँ 7 टाइम्स मिला था टाटा स्टील में। टाटा स्पंज में देखिए यही 32 टाइम्स मिल रहा था, बट यही में जब इसको इंडियन मेटल इसको एक्चुअल में मार्केट में इंफा के नाम से भी जानते हैं, IMFA इंडियन मेटल एंड फेरस अलॉयज, तो इंफा के नाम से भी लोग जानते हैं इसको। मैंने जो उड़ीसा तरफ रहते हैं उनको मालूम है इंफा के नाम से। तो ये देखिए सिर्फ 2.24 टाइम्स के अनुसार मिल रहा है, तो कितना अगर इसके पास समझिए कि 75 करोड़ 80 करोड़ का कैश रहता है और ये इसकी जो यहाँ पे मार्केट कैप है सिर्फ 668 करोड़ है, तो कितना ईजियर फ्री मिल रहा है आपको ये। तो ये एक बहुत अच्छा है पैटर्न देखने को मिलता है यहाँ से कि ये अच्छा पैटर्न है। दूसरा इसका सेल्स ग्रोथ देखिए 9.5%, फेरस अलॉयज का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट भी नहीं निकला अभी, तो ये कोई बिजनेस खराब नहीं होगा। हाँ थोड़ा स्ट्राइक वगैरह चलते रहता है उनका, उसके कारण थोड़ा सेल्स ग्रोथ में उड़ीसा में थोड़ा सा क्या लोकल इशू थोड़ा है, गवर्नमेंट का इशू है, पॉलिटिकल इशू है, तो वहाँ से आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। सेल्स ग्रोथ देखेंगे इसका तो 10% है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 20% है। डेप्ट इसके पास 851 करोड़ है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया देखिए इसको कवरेज रेशियो, डेप्ट होने के बावजूद इसके 3.39 टाइम्स तो कवरेज रेशियो है। और क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे पास 335 करोड़ का प्रॉफिट है और 851 करोड़ का अगर डेप्ट है तो कोई बहुत बड़ा फर्क भी नहीं पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 0.56 के प्राइस के मिल रहा है आपको, मीन्स 247 रुपये 777 का हाई बना चुका है। तो लॉन्ग टर्म में जब मार्केट सुधरेगा तो ये आपको 700-800 रुपये का भी भाव दिखा सकता है। तो एक अच्छी कंपनी है और अच्छा पैटर्न बना रही है। आप देखेंगे अभी थोड़ा सा इसमें एक रेडिश पैटर्न बना है, मतलब कि ये एक बार हो सकता है आपको ये डाउन पैटर्न लेकर के नीचे की ओर दिखाए और यहाँ पे आपको सपोर्ट लेकर के 220 के आसपास सपोर्ट ले सकता है। एक ऑलरेडी ये फॉलिंग पैटर्न बनाया हुआ था, यहाँ से कंटिन्यू ये फॉल कर रहा था और ये एक बार अप लिया और वापस अभी डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो नीचे की ओर अगर ये जाता है तो आपको यहाँ पे पोजीशन बनाना चाहिए। इसमें 200-220 के आसपास फ्री में ये भी शेयर मिल रहा है और ये शेयर आपको 500-700 रुपये जाने का पूरा दम रखता है। ऐसा कुछ मुझे मालूम नहीं है इसके बारे में कि कोई डिस्प्यूट है, जैसा बुक्स बता रहा है और जैसा कैश के फ्री टाइम्स बता रहा है, तो ये सारे चीज़ को देख करके ये शेयर मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। और टाटा स्पंज और टाटा मेटल, टाटा स्टील और इंडियन IMFA ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये अभी जस्ट ये कंपनी है जो न्यू लिस्टेड हुई है, मिश्र धातु निगम लिमिटेड है, ये न्यू लिस्टेड कंपनी है और ये देखेंगे तो थोड़ा सा क्यों मुझे कॉस्टली लगता है ये। अब प्राइस टू बुक वैल्यू 121% है, कंपनी अच्छी है लेकिन मैं आपको इसमें बाइंग नहीं बोल रहा हूँ। ये देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू इतना हाई मिल रहा है कि इसको इसमें अभी पोजीशन बनाना ठीक है। 30% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, अब ये देखेंगे डेप्ट जीरो है, सब चीज़ अच्छा दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज रखिए देखिए 22%, खराब नहीं है, बट इसको जैसे लिस्ट हुआ ना उसके लिस्टिंग के बाद इसको हाइप बना दिया गया और 131 रुपये पे पहुँचा दिया गया।
तो ठीक है, अगर ये आपको लोअर लेवल वापस आपको अगर ये बिलो 90-80 के आसपास मिलता है, 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ के पास अगर मिलता है, तो इस पर वाचिस रखिए और मिश्र धातु में चाहें तो आप अच्छा पोजीशन अपना बना सकते हैं इसमें। कहीं पे भी देखेंगे तो एक्चुअली एक मिनट अगर मैं इसको एक बार चार्ट चार्ट पे भी दिखाऊँ आपको मिश्र धातु को, तो आप देखेंगे। हाँ, मिश्र धातु का ये देखिए चार्ट, देखिए ऑलरेडी इसमें फॉलिंग पैटर्न बन चुका है। ये बोलिंगर बैंक के हाई पैटर्न को तोड़ के, इनफैक्ट ये अपने सपोर्ट लेवल को 132 को तोड़ चुका है, और अगर ये किसी कारण से 126 को तोड़ता है तो आपको 120 की ओर देखने को मिलेगा, और 120 के लेवल को तोड़ता है तो आपको 112 115 के लेवल को भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इसमें एक मिश्र धातु में पोजिशन नहीं बनाए, क्योंकि ये देखिए एक बेल पैटर्न बना हुआ ऑलरेडी, ये डाउन इंडिसीजी पैटर्न बना, रेड बना, बुलिश बैंड को तोड़ा और अपने सपोर्ट लेवल को तोड़ा है। 131 इसका सपोर्ट लेवल था, जिसको या तो निकलता तो ऊपर की ओर चला जाता है 139 की ओर। अब चूंकि इसको हैंगिंग करके तोड़ा है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको एक बार नीचे की ओर ये देखने को 125 की ओर देखने को मिलेगा। और मैं जैसा बताया आपको कि अगर 8500 के आसपास आता है तो इसको आपको बाई करना चाहिए। अगर आपको इसको SIP कीजिए और 100 रुपीज़ के आसपास से आप SIP चालू कीजिए, 120-125 आगे जाके ये आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, किसी भी कंपनी का स्टेटस होता है वो क्या बताता है। लेकिन सिर्फ चूंकि इसके अभी शुरुआत में है तो जनरेशन के चलते हो सकता है इसका कैश जनरेशन कम हो, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हाई दिखा रहा हो। बट चूंकि इसका मेरे को ऑपरेटिंग पर 30% से जिसकी इनकम हो, अगर 100 रुपये का माल बेच रहा हो 30 रुपये घर लेके जा रहा हो, तो ऐसी कंपनी में अपना पोजिशन हर समय बना के रखना चाहिए। डेप्ट देखिए तो डेप्ट के नाम पर 92 करोड़ है, लेकिन इसमें आपको अगर लोअर लेवल पर मिलने को है तो अपर लेवल पर पोजिशन बनाने की जरूरत नहीं है। ये आपको आराम से 110 122 तो बहुत सुन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप 110 122 में इसको पोजिशन बनाइए, SIP कीजिए और ये घर लेके जाइए। ये आगे जाकर के अब देखिए ये नई कंपनी और सीधा आपको ये भी दे रही है, डिविडेंड भी देना चालू कर दी, तो अच्छा अच्छी कंपनी है। ऐसी कंपनी में आपको पोजिशन बना के रखना चाहिए, मैं तो इतना ही बोलूँगा। और अगर एक बार इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लें इसका तो वो भी अच्छा रहेगा। अब देखिए प्रोमोटर्स की होल्डिंग, न्यू लिस्टिंग आपको पहले बता दिया, प्रोमोटर की होल्डिंग देखिए 74%। अब देखिए म्यूचुअल फंड देखिए 84, म्यूचुअल फंड इसको बाइंग कर रहे हैं अभी भी, यहाँ 0.28 से ऐड कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड को लग रहा है कि ये आगे का लॉन्ग टर्म का बहुत अच्छा घोड़ा है। अगर 120-122 रुपये में मिल रहा है तो ये 500-400 रुपये भी दिखा सकता है 4-5 साल में, तो ठीक है। तो इसको म्यूचुअल फंड अच्छे खासे पोजिशन इसको इस पर बना करके आगे बढ़ रहे हैं। FI भी देखिए, FI भी पोजिशन बना के रखे हैं। LIC तो हर जगह पोजिशन बनाती है, तो LIC का 7.67% ऑलरेडी है, तो FI होल्डिंग कर रही है। अब प्रमोटर के पास 74% है, म्यूचुअल फंड के पास 9% है। तो जब बड़े बड़े फंड एडवाइजर लोग बाय कर रहे हैं तो आपको भी पोजिशन बनानी चाहिए, और आपको 120-110 के आसपास आपको बहुत जल्दी इसमें देखने को पोजिशन मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, खुद अपनी पोजिशन देख सकते हैं और बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, एजुकेशन पर्पज से था। कोई भी पोजीशन मार्केट के बनाने से पहले आप अपने फंड एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।